रहमान मलिक के मुताबिक उनका नाम पैनामा लीक्स में नहीं होना चाहिए, जो उनके मुताबिक, अच्छा, मैंने, मुझे जो उन्होंने कहा, मैंने उनसे पूछा, उनके मुताबिक जो पेट्रोलाइन कंपनी है इंक, वो इनकी यहाँ पे पैनामा में रजिस्टर्ड नहीं है, वो दुबई में रजिस्टर्ड है। नाम एक ही है पर वो दुबई में है, वो दूसरी कंपनी दूसरी है। बहरहाल बहरहाल इसका मेरा ख्याल है सवाल ज़रूर पूछेंगे GIT वाले। पर रहमान मलिक ने एक रिपोर्ट तैयार की थी FIA में जब थे, अगर रहमान मलिक उस रिपोर्ट पे अड़ा रहता है, उससे थोड़ा सा गुरेज नहीं करता। तो आपने इतना अगर क्यों कहा है? आपको लगता है कि इधर उधर हो सकते हैं उससे? मैंने कहा अगर वही मैं पूछ रहा हूँ, आपको उससे गुरेज नहीं करता तो मियां साहब बच ही नहीं सकते, और शहबाज शरीफ तो बिल्कुल नहीं बच सकता। ओके, उसमें शहबाज शरीफ का, तो आपको लगता है कि रहमान मलिक साहब को उस रिपोर्ट से गुरेज कराने के लिए, इधर उधर करने के लिए कोई एक आधा फ़ोन जरदारी साहब के थ्रू या उनसे मुलाकात के लिए कोई गया होगा शरीफ ख़ानदान की तरफ से? शरीफ ख़ानदान ने तो हर कोशिश करनी है। अच्छा, मैं नहीं समझ जानता वो जरदारी के ज़रिए करें, वो रहमान मलिक से डायरेक्टली करें, रहमान मलिक माने ना माने, मेरा नहीं ख्याल। नोइंग रहमान मलिक, आपको क्या लगता है? बहुत मुश्किल है उससे हटना, क्योंकि ही हैज गिवन इट इन राइटिंग। ठीक, उसमें फ्लो चार्ट्स दिए हुए, अगर सरमाया किस तरह गया, किधर से किधर गया, वो फ्लो चार्ट्स उसने दिए हुए हैं, कौन सी कंपनी कहाँ रजिस्टर हुई, वो उसके कौन से डायरेक्टर्स थे, वो तो बड़ी वो रहमान मलिक रिपोर्ट से बचना आप कहते हैं कि इनके लिए उस रिपोर्ट से बचना नामुमकिन है। नामुमकिन है।